हेलो एवरीवन म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है अगर ये समझना है तो इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है हम आप जैसे स्मॉल या रिटेल इन्वेस्टर जिसे कहते हैं उनका पैसा कौन मैनेज करता है म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में वो कौन सी एंटिटी है इस मैनेजिंग एंटिटी के ऊपर सर्विलांस रखती है कौन है जो इंटायर इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है कौन सी वो एंटिटी है जो इनिशियल फंड या इनिशियल अमाउंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड ऐसी जानकारी अगर हमें चाहिए होगी तो हमें देखना होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया सो वेलकम यू ऑल टू द थर्ड चैप्टर ऑफ म्यूचुअल सिलेबस। लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट विद द की फीचर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड सबसे पहले आता है कि म्यूचुअल फंड आपको पता ही है कि एक ट्रस्ट के हिसाब से अपने को एस्टैब्लिश करता है और इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर जो है ये गवर्न होता है तो यहाँ पे सवाल ये आता है की हु कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल तो इंडियन रेसिडेंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आईथिर सिंगल और ज्वाइंटली माइनर्स uh, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स के थ्रू दैट इज लॉफुल गार्डियन या पेरेंट्स जो है उनके थ्रू कर सकते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट है रिलीजियस ट्रस्ट है दे कैन इन्वेस्ट पार्टनरशिप फंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बैंक है कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं आर आरबीज हो सकते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं एफ आई आईज है डी आई आईज है, है ये सारे लोग जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं द यूनिट्स आर सोल्ड अंडर वन और मोर स्कीम्स फंड हाउसेस जो है वो अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं द स्कीम्स इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज और गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और रियल एस्टेट एसेट्स मतलब ये स्कीम्स क्या करते हैं यहाँ पे स्कीम्स uh, के ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए म्यूचुअल फंड का जो भी फंड रेज होते हैं इन्वेस्टर्स से उसे इन्वेस्ट करते हैं या तो वो अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी मार्केट सिक्योरिटीज हो सकती है कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज हो सकती है गोल्ड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रियल इस्टेट या और भी ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो अलाउड है बाय सेवी जहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट फॉर दे आर गवर्न बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एटी टू The mutual fund trust is created by one or more sponsors who are the main person behind the mutual fund business. जब भी म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड हाउस एस्टैब्लिश करने की सोचता है उसके पीछे का ब्रेन किसका होता है तो ये ब्रेन होता है स्पॉन्सर्स का तो ये, ये एक sponsor हो सकता है या कई sponsors हो सकते हैं वो मिलके ये फंड हाउस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोच सकते हैं एज अ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है उसके पीछे किसका ब्रेन है स्पॉन्सर्स का एवरी ट्रस्ट हैज बेनिफिशियरीज बेनिफिशियरी ट्रस्ट के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको बेनिफिशियरीज बोलते हैं और ये बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन वेरियस स्कीम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड के बेनिफिशियरीज कौन होते हैं ये ट्रस्टीज नहीं होते हैं ये स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं तो ये होते हैं यूनिट होल्डर्स या ये होते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स या यूनिट होल्डर्स ये नाम आपको याद रखना है द ऑपरेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर गवर्न बाय अ ट्रस्ट डीड

इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करोगे तो ये म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझना आपके लिए आसान होगा और ट्रस्टी का रोल यहाँ पे क्या है ट्रस्टी का रोल है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज जो भी बेनिफिशियरीज है जो भी इन्वेस्टर्स है जो भी यूनिट होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखना उनका इंटरेस्ट जो है वो बनाए रखना इस पर्टिकुलर बिजनेस में ये काम है ट्रस्टीज का वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस टू परफॉर्म द ट्रस्टीशिप रोल आई दर इंडिविजुअल में भी अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज और अ ट्रस्टी कंपनी में भी अपॉइंटेड अगेन दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट ट्रस्ट में होते हैं ट्रस्टीज़ और कंपनी में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी के जो एबीसी कंपनी है ये एज ए ट्रस्टी अपॉइंट की कर दी गई है एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड में इन दैट केस एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कौन है एबीसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेकिन मिस्टर रमेश हैज ए ट्रस्टी ऑफ एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड इन दैट केस वो एक इंडिविजुअल हो गया जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्टी कंपनी फंक्शन थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे मैंने बोला था कि कंपनी है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रस्टी में आ जाएंगे डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ स्कीम इज हैंडल्ड बाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी कई सारी स्कीम चलाती है और ये सारे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पर्टिकुलर चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन काफी सारे वन लाइनर्स निकलेंगे आई एक्सपेक्ट यू टू हैव वन पेन एंड पेपर रेडी एंड वेर यू विल बी राइटिंग इट डाउन ईच बिकॉज यहाँ पे काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है